तो फाइनली गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 18 नंबर इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 5th अक्टूबर 2024। फाइनली गाइस डेट फिक्स 5 अक्टूबर में आपका पैसा आने वाला है। केवाईसी मैंडेटरी है, किस तरीके से करना है मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो पर बने रहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, फाइनली पीएम किसान का डेट फिक्स होके निकल कर आ चुका है। और आप लोगों को गाइस आज में अगर आपका इंस्टॉलमेंट 18 नंबर मतलब 17, 18 या तो 16 से या तो 9 इंस्टॉलमेंट से रुका हुआ है, मतलब आपको मिला नहीं है इंस्टॉलमेंट, पीएम किसान का पैसा मिला नहीं है, बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अगर रुक गया है, तो उस स्थिति में आपको क्या क्या करना पड़ता है स्कीम पर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस ये वीडियो फुल देखिए तभी ये आपको पता चल जाएगा, वरना गाइस आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और फिक्स डेट है गाइस अभी पीएम किसान का 5 अक्टूबर 2024 को सभी का बैंक अकाउंट पर, अगर केवाईसी ठीक है, अगर लैंड सेडिंग स्टेटस ठीक है, अगर बैंक सेडिंग स्टेटस सही है, तो आपका अकाउंट पर पैसा सुरक्षित तरीके से आएगा डीबीटी के माध्यम से। तो चलिए इसमें आज आप लोगों को दिखाऊंगा, वो डेट भी दिखाऊंगा किस तरीके से वहां पर दिखाया गया है, फिक्स डेट पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल पर ही दिखाऊंगा। तो फाइनली आ चुका है 5 अक्टूबर 2024 में आपका पैसा आने वाला है। केवाईसी नहीं किया है तो गाइस तुरंत करिए, वरना गाइस आपका पैसा नहीं आएगा। केवाईसी जिनका भी नहीं हुआ है, अभी से अभी आप लोग अपना नियरेस्ट सीएससी सेवा केंद्र पर जाके आप लोग कर सकते हो। तो चलिए स्क्रीन पर बने रहिए, मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा। अभी तो आप एक ब्राउजर पर आइए और देखिए गाइस पीएम किसान का मतलब फिक्स डेट कब आने वाला है पैसा, 18 नंबर इंस्टॉलमेंट वो भी दिखाऊंगा। पीएम किसान लिख के सर्च कर दीजिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीएम किसान सम्मान निधि का ये ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस, पोर्टल। तो आपको क्या क्या करना पड़ता है वो मैं दिखाऊंगा, बने रहे वीडियो पर। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो, हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 18 नंबर इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 5th अक्टूबर 2024, मतलब 5 अक्टूबर 2024 को गाइस 10 बजे रात को 10 बजे आपका बैंक अकाउंट पर पैसा आएगा, कितना, 2000 रुपया। अगर रुका हुआ है पहले से ही तो केवाईसी करना मैंडेटरी है गाइस, यहां पर पहले ही बताया गया है ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर्स, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट सीएससी सेंटर्स मे बी कनेक्टेड फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। गाइस ये जो ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल हुआ है, मतलब यहां पर बोला गया है, बट एक्चुअली में यहां पर ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी नहीं होता है, आपको सीएससी सेंटर पर ही जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी देने के लिए, तभी गाइस आपका बैंक अकाउंट पर सुरक्षित तरीके से 18 नंबर इंस्टॉलमेंट आप लोग देख सकते हो। थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, केवाईसी मैंडेटरी है, किस तरीके से करना है मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए गाइस एक्सटर्नल लॉगिन है गाइस, यहाँ पर क्लिक करिए, सीएससी लॉगिन पर क्लिक करिए। इस तरीके का आपका इंटरफेस रहेगा, यहाँ पर आपको ये कैप्चा दे देना है गाइस, जो भी है आप लोग अपना हिसाब से दे दीजिए। और उसके बाद में गाइस जो दिखा रहा हूँ गाइस, आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखने से ही पता चल जाएगा, साइन इन करिए। तो फाइनली गाइस साइन इन होने के बाद में इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल के आएगा, ये आप लोग देख सकते हो, ये है सीएससी का ऑफिशियल डैशबोर्ड, ये देख सकते हो। अभी गाइस अगर आपका केवाईसी हुआ नहीं है तो गाइस आपको यहां पर इंटर अपडेट आधार नंबर पर जाके आप लोग नंबर देके अभी के लिए गाइस नहीं कर सकते हो, क्योंकि गाइस यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग, प्रोग्रेस ट्राई अगेन बोल के दिखा रहा है, ये अभी 2-4 दिन बाद में ये ओपन हो जाएगा, ये मतलब आप लोग रजिस्टर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर से भी कर सकते हो केवाईसी। गो टू एक्सलिंक pmkisan.gov.in, यहाँ पर फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ गाइस आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए गाइस पीएम किसान इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ये
100% आपका मतलब ईयरली पर एनम 6000 रुपीस दिया जाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैं सिंपली फिर से CSC लॉगिन कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अभी गाइस KYC करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए CSC होल्डर यहाँ पर क्लिक करिए, और देखिए गाइस इस तरीके से होता है CSC सेंटर पर भी। ऑल CSC सेंटर शुड अपग्रेड योर RD सर्विस टू द लेटेस्ट वर्जन एंड क्लियर कैश, मतलब आपका जो भी है मतलब RD सर्विस एक ड्राइव है गाइस, वो आपको अगर पहले से इंस्टॉल है तो गाइस उसको फिर से लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल करने के लिए बोला गया है, अपग्रेड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर वही बोला गया है। और अगर आपका हिस्ट्री वगैरह, कुकीज वगैरह, अनवांटेड फाइल्स वगैरह मतलब कंप्यूटर पर सेव है, मतलब सर्च बॉक्स पर सेव है, तो गाइस ये सब आपको क्लियर कैच करना है, तभी गाइस आपका बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC होगा अपना कंप्यूटर पर फिंगरप्रिंट देके। तो देखिए गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आधार नंबर यहाँ पर दे देना है, ये कैप्चा गाइस यहाँ पर दे देना है, सर्च कर देना है, और एक OTP मोबाइल नंबर देने के लिए बोलेगा, एक मोबाइल नंबर दे दीजिए, उसके बाद OTP जाएगा, OTP दे दीजिए, उसके बाद में आपका KYC का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग आधार नंबर दे दीजिए, उसके बाद में KYC कर दीजिए, बहुत ही ईजी सा एक प्रोसेस है गाइस। अगर आपको ये प्रोसेस पता नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गाइस, पहला ही नंबर में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो लिंक पर क्लिक करिए, तभी गाइस आपको पता चल जाएगा ये भी किस तरीके से करना है, वहाँ पर मैंने दिखाया है। तो यही था गाइस एक अपडेट, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और एडिट फार्मर डिटेल्स पर जाकर आप लोग एडिट कर सकते हो। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है PM किसान में, नया नाम भर्ती करना है, तो गाइस फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाकर आप लोग नया नाम भी भर्ती कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो गाइस शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।